हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम सी एस आइन एड दिसंबर टू थाउजेंड इलेवन से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट बी के जो क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमें सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें ये बताना है एलिप्टिक होगी या हाइपरबोलिक होगी एंड हमें साथ में रीज़न भी दिया हुआ है रीजन हमें दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसको एलेसन पाई बाई सिक्स हमें बताने ये बताना है क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस रीज़न में इलिप्टिक होगी या फिर हाइपरबोलिक इन द रीज़न एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसको एलेसन थ्री पाई बाई फोर एंड ग्रेटर देन पाई बाई फोर या फिर ऑप्शन थर्ड इलिप्टिक इन द रीज़न एक्स नॉट इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन थ्री पाई बाई फोर एंड ग्रेटर देन पाई बाई फोर एंड फोर्थ ऑप्शन है हाइपरबोलिक इन द रीजन एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन पाई बाई फोर तो हमें ये बताना है ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक होगी या फिर इलिप्टिक होगी एंड साथ में ये रीजन दिए हुए तो अगर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ तो थर्ड इन करेक्ट हो जाएगा थर्ड करेक्ट हुआ तो फर्स्ट इन करेक्ट हो जाएगा इसी तरह से अगर ऑप्शन बी करेक्ट हुआ तो डी इन करेक्ट हो जाएगा एंड डी करेक्ट हुआ तो बी इन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ इलिप्टिक और हाइपरबोलिक के लिए चेक करना है एंड ये जो हमारे पास रीज़न दिए हुए हैं इनमें से बताना है कौन से रीज़न के लिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वहाँ से आर एस और टी की वैल्यू देखिए हमारे पास आर की वैल्यू यहाँ से आर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर डेल्टू या अपॉन डेलेक्स स्क्वायर का कोफिशियन तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू तो आ गई एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन फोर एस की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स माइनस वाई इन साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड टी की वैल्यू डेल टू यूपन डेल वाई स्क्वायर का कोफिशेंट तो वो हमारे पास है कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये हमारे पास एस आर टी की वैल्यू आ गई अब यहाँ से हम एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी फाइन करेंगे क्योंकि हमें पता है एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इक्वल टू जीरो देन पैराबोलिक एंड लेस देन जीरो देन इलिप्टिक ठीक है तो हम एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एंड देन उसे सॉल्व करेंगे तो इसमें वैल्यू रखते हैं एस स्क्वायर की वैल्यू एक्स माइनस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर आर टी आर की वैल्यू ये और टी की वैल्यू ये इनको रखेंगे तो देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा और एक्स माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे जब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए एंड उसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब देखिए हमें चारों ऑप्शन में दिया हुआ x y, है एक्स नॉट इक्वल टू वाई ठीक है एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो यहाँ पे एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगी और हमारे पास माइनस साइन पहले से है तो ओवरऑल तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको हाइपरबोलिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा ये जो कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन जीरो तभी तो हम बोल सकते हैं अगर ये लेस देन जीरो हुई तो इसका साइन माइनस आ जाएगा एंड दोनों प्लस ओवरऑल हमें वैल्यू मिल जाएगी ग्रेटर देन जीरो और हाइपरबोलिक के लिए एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इसी तरह इलिप्टिक के लिए कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए तभी तो हमें ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी लेस देन जीरो देन हम बोल सकते हैं ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये इलिप्टिक होगी तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक कब होगी जब कोस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू लेस देन जीरो हो या फिर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ये वैल्यू लेस देन जीरो कब होगी जब टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई टू एंड लेस देन थ्री पाई बाई टू हो ठीक है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज हाइपरबोलिक इफ़ एक्स वाई सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन थ्री पाई बाई फोर एंड ग्रेटर देन पाई बाई फोर तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए हमारे हाँ पास सेकंड ऑप्शन में यही दिया हुआ हाइपरबोलिक इन द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन थ्री पाई बाई फोर एंड ग्रेटर देन दे पाई बाई फोर तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया एंड ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया और देखिए जब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया तो ए और सी भी वैसे इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये पार्ट बी से क्वेश्चन है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा फिर भी अगर हम देखें तो इलिप्टिक कब होगा जब एस स्क्वायर माइनस फोर आर टी इज लेस देन जीरो लेस देन जीरो का मतलब ये जो वैल्यू होगी कोर्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो होगी तो उस कंडीशन में जब हम रीज़न फाइंड करेंगे तो हमें रीजन मिलेगा जीरो लेस जन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेसन फाइव बाई फोर ठीक है इस रीज़न में ये इलिप्टिक होगी और हमारे पास रीजन यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं दिया हुआ देन तो इस वजह से ऑप्शन ए एंड सी ये भी इनकरेक्ट हो जाएंगे तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट यू इक्वल टू यू एक्स वाई विद अ कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेलियो अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई पासिंग थ्रू द पॉइंट जीरो जीरो वन एंड जीरो वैल्यू ऑफ यू एक्स वाई एट माइनस वन एंड वन इज ऑप्शन फॉर जीरो ऑप्शन सेकेंड वन ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी थ्री तो यहां पर हमें जो यू एक्स वाई सोल्यूशन मिलेगा उसकी हमें माइनस वन एंड वन इस पॉइंट पर वैल्यू फाइन करनी है तो देखिये सोल्यूशन देखिए हमारे पास पार्शियल डिफेंशियल इक्वेशन दी हुई है डेलीओ अपन डेल एक्स डॉट डेली अपन डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई इसे हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई जहाँ पे पी क्या है डेली अपॉन डेल एक्स और क्यू क्या है डेली ओपन डेल वाई तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई या फिर एक्स को इधर पी के डिवाइड में ले जाएं और क्यू को वाई के डिवाइड में देन क्या लिखेंगे पी अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं ए हम यहाँ पे ये लिख के चलते हैं पी अपॉन एक्स इक्वल टू ए एंड वाई अपॉन क्यू इक्वल टू ए तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी पी इक्वल टू ए एक्स एंड क्यू इक्वल टू वाई अपो ठीक है अब देखिए हम डी यू को क्या लिख सकते हैं डेली अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल्यू अपॉन डेल वाई डी वाई ठीक है इस तरह से लिख सकते हैं डेलीओपॉन डेल एक्स पी है और डेलीओपॉन डेल वाई क्यू तो इसे हम क्या लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई यहाँ पर पी की वैल्यू रखेंगे पी की वैल्यू ए एक्स और क्यू की वैल्यू रखेंगे तो वाई अपो ने तो इक्वेशन बन जाएगी डी यू इक्वल टू ए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन तो हमारे पास यू की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर अपॉइंट टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉइंट टू ए प्लस बी यहाँ पे बी क्या इंटीग्रेशन कांस्टेंट ठीक है अब देखिए हमारे पास कंडीशन दी हुई है यू इक्वल टू यू एक्स वाई पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जीरो जीरो वन एंड ज़ीरो वन हाफ तो यहाँ से हम कॉन्स्टेंट ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन कंडीशन का यूज़ करके तो पहले हम पॉइंट लेते हैं जीरो जीरो वन इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो एंड यू इक्वल टू वन ठीक है तो ये वैल्यूज़ रखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो रखना है वाई इक्वल टू जीरो एंड यू इक्वल टू वन वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी इक्वल टू वन ठीक है एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू जीरो और यू की वैल्यू वन देन बी इक्वल टू वन आ जाएगा अब सेकेंड पॉइंट लेके चलते हैं जीरो वन हाफ इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन एंड यू इक्वल टू हाफ ठीक है तो ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में रखेंगे देन यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जब यहाँ पे रखेंगे तो हाफ इक्वल टू जीरो प्लस वन अपॉन टू ए प्लस वन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अब ये दोनों वैल्यूज ए और बी की जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास यू की वैल्यू क्या आ जाएगी यू एक्स वाई इक्वल टू तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस वाई स्क्वायर टू प्लस वन या फिर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे माइनस हाफ को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन अब हमें वैल्यू किस पॉइंट पर फाइंड करनी है माइनस वन प्लस वन पे तो यहाँ पे हम x इक्वल टू माइनस वन रखेंगे एंड y इक्वल टू वन देन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ वन प्लस वन प्लस वन तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी टू तो यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस टू ओ टू प्लस वन या फिर बोल सकते हैं माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई u माइनस वन वन इक्वल टू जीरो देन ऑप्शन देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ जीरो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है डेल टू यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू डेल टू यू अपन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू यू अपन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई तो हमें ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसका कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करना है जहाँ पे आर्बिटरी फंक्शन हमें यूज करने फाइव वन एंड फाइव टू ठीक है और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल पास डी डैश क्या है डेल अपॉन डेल वाई ठीक है तो हम जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट फाइंड करते हैं हम वो यहां पे नॉर्मल प्रोसेस को यूज करेंगे तो देखिए यहाँ से पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे डी इक्वल टू एम रखते हैं और डी डे इक्वल टू वन तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस वन, वन इक्वल टू जीरो या फिर एम प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो देन एम की वैल्यू आ गई माइनस वन माइनस वन अभी जो रूट सही रिपीट हो रहे हैं देन यहाँ से जो सी एफ आएगा वो क्या आएगा फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स प्लस एक्स इन टू फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स ठीक है ये हमारे पास आ जाएगा सी एफ यहाँ पे जब एम वन एम टू की वैल्यू रखेंगे एम वन भी हमारे पास माइनस वन एम टू भी माइनस वन तो हमारे पास सी एफ आ जाएगा फाइव वन वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव टू वाई माइनस एक्स ठीक है अब हम पी आई फाइन करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे वन अपन डी स्क्वायर प्लस टू इंटू डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर इंटू एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे पास यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में ई रेस टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई तो ई रेस टू पावर बी वाई को हम बाहर लेके आएंगे और क्या लिखेंगे इसका जो कोफ़िशियंट है उसको डी डी की जगह पे रखेंगे तो ई रेस्ट टू पावर वाई इंटू में वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन क्योंकि बी क्या है हमारे पास यहाँ पे वन है तो डी डी की जगह हमें वन रखना है और इसके इंटू में एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स अब ई रेस्ट टू पावर एक्स को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे ई रेस्ट टू पावर एक्स को तो इधर ले आएंगे तो ये ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस वाई बन जाएगा एंड इसका जो कोफिशियंट है उसको डी के साथ में एड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ई टू पावर एक्स प्लस वाई वन अपॉन डी प्लस वन स्क्वायर प्लस टू इंटू डी प्लस वन प्लस वन और इंटू में एक्स ठीक है यहाँ से इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस फोर ठीक है अब यहाँ से फोर को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वन अपॉन फोर इंटू वन प्लस डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉन फोर या फिर इसे लिख सकते हैं ई टू पावर एक्सप्लेस वाई अपॉन फोर वन प्लस डी स्क्वायर प्लस फोर डी फोर इनवर्स और इसके मल्टीप्लाई में एक्स है अब एक्स को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे पहले हम इसके एक्सपेंशन को ओपन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास वन माइनस डी स्क्वायर प्लस फोर डी अपॉइंट फोर एंड जो आगे की हाईएस्ट टर्म है उनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स की पावर सिर्फ वन है ठीक है अब इसको अप्लाई करेंगे तो डी का मतलब यहाँ पे क्या डिफ्रेंशिएशन तो एक्स का जब दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा वन टाइम करेंगे तो एक्स का वन आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू पावर एक्स प्लस वाई ए फोर इन एक्स माइनस वन जो कंप्लीट इंटीग्रल होगा वो क्या होगा सी एफ प्लस पी देन यहाँ पे सी एफ की वैल्यू रखेंगे और पी आई की वैल्यू रखेंगे तो यू एक्स वाई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस देखिए देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है रेज टू पावर एक्सप्रेस फाइव तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे